हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज फिर एक नई वीडियो में आए हैं। आज का किचन अंग्रेजी में क्लास 10th अप्लीकेशन लिखने के लिए पूछा जाता है, जिसमें आपको 6 किचन रहेगा, जिसमें आपको 3 को लिखने का भी रहता है, नोटिस भी लिखने का भी रहता है और जो है आवेदन भी लिखने का भी रहता है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में अप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है आपको 3 को बनाने के लिए लिखने के लिए रहता है, उसमें आपको जो है 6 में से 3 को जवाब देना चाहिए, देना होता है, आंसर लिखना होता है। तो हम एक जो है छुट्टी पर जो है एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं आज के वीडियो में कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 डेज लीव। क्या करना है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, एक पत्र लिखिए किसके पास में? अपने प्रधानाध्यापक पास में, फॉर 2 डेज लीव। इसके लिए 2 दिन के छुट्टी के लिए। अब 2 दिन छुट्टी जो है आप किसी भी कारण से ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं कहीं पर जाने के लिए, या शादी ब्याह में है ना, या कुछ जो है इमरजेंसी काम हो गया, या आपका जो है तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, तो किसी के केस में हो सकता है, शादी ब्याह के केस में हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेडमास्टर लिखना है ना फॉर 2 डेज है ना, रहेगा केस में रहेगा कि ब्रदर मैरिज है ना, सिस्टर मैरिज, 7 दिन के 8 दिन की छुट्टी में लेना है, यानी कि बहन के शादी के लिए लिखिए या भाई के शादी के लिए लिखिए है ना, या तो फिर ऐसे लग रहेगा कि कुछ जो है पैसा माफ करने के लिए अपने प्रधान पे कुछ लिखना है ना, कैसे करना, पैसा जो है उसको क्या कर देना माफ करने के लिए। इस तरह से आपको एक जो एप्लीकेशन जो है प्रधानाध्यापक पास में आएगा लिखने के लिए, और 2 अतासी नोटिस लिखने के लिए। नोटिस समझ में आता है ना, नोटिस भेजते हैं जिससे वो मैसेज आता है, जिसे मैसेज वाले भेजते हैं लिख के ना, उस तरह से भी नोटिस आता है लिखने के लिए। तो ऐसे आप जो है लिख सकते हैं, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 डेज, 2 दिन की छुट्टी के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखने से पहले आपको लिखना पड़ता है जी 2, यहाँ का लिखते हैं 2, और हिंदी में लिखा जाता है सेवा में है ना। हिंदी में जब एप्लीकेशन वो लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं सेवा में, क्या लिखते हैं? सेवा में। यहाँ लिखेगा जी 2 द हेडमास्टर, और इसके नीचे लिखना है आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ उस स्कूल का नाम लिखना है। तो हम ले लिए क्या चीज़, +2 मेरावत हाई स्कूल अरवल है ना। अगर आप जो बालिका में पढ़ते हैं तो +2 बालिका स्कूल अरवल, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, क्या सब विषय क्या चीज़ है, अप्लीकेशन फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिन के छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हेतु है ना। तो 2 दिन छुट्टी के लिए आवेदन लिखने के लिए आपको जो है इसे लिख देना है। फिर ध्यान दीजिएगा, हेडमास्टर लिखना, उसके बाद क्या लिखना है, उसका पता लिखना कि कहाँ पर स्कूल है और किस जगह पर है, किस सिटी में है, उसका नाम लिख देना है। फिर क्या चाहिए, रिस्पेक्टेड सर, इसका हिंदी होता है आदरणीय, क्या होता है? आदरणीय। रिस्पेक्ट यानी सम्मान पूर्व भी कह सकते हैं, आदरणीय भी कह सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, आदरणीय सर, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। मोस्ट का मतलब होता है अत्यंत, हम्बली मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं समान पूर्वक। रिस्पेक्ट का मतलब होता है समान करना, और यहाँ पर लग गया फुली, तो क्या हो गया, समान पूर्वक है ना। अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं समान पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि आई बेग टू से, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ, आई बेग टू से, आई बेग टू से, ऐसे इसको समझिए कि यहीं पर याद हो जाए है ना। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्ट फुली, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्ट फुली, आई बेग टू से है ना, आई बेग टू से, अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कि डेट मतलब कि, और पढ़े होंगे बचपन डेट में तो वह क्या चीज निकल रहा है कि, आई एम, अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, जिस हम यहाँ पर लिख देते हैं नाम, सनी कुमार, लड़की रहिएगा तो अपना नाम लिखिएगा है ना, रीमा कुमारी, या कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, सलोनी भारती है ना। तो क्या, अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम सनी कुमार, मैं सनी कुमार, आई एम सनी कुमार, मैं सनी कुमार, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल,
मैं आपके स्कूल के वर्ग दशम का ये क्या चीज हूँ, छात्र हूँ, क्या हूँ, छात्र हूँ। फिर देखिए, मैं सनी कुमार, आई एम द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ कहाँ के, आपके स्कूल के, यही लिखा हुआ है। मैं आपके स्कूल के दसवें वर्ग का एक छात्र हूँ, क्या हूँ, छात्र, यही लिखा हुआ है, छात्र हूँ। यानी कि यहाँ पर लिखने के लिए कि आप कौन है, तो हम बताएंगे था ना कि हम आपके स्कूल में पढ़ते हैं, और हम इंट्रोडक्शन पर नहीं देंगे कि हम कहाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर लिखने पड़ेगा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके छात्र थे, स्कूल का एक छात्र हूँ। ठीक है, सर क्या हुआ है, देखिए सर, सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, क्या हो जाएगा, यस्टरडे। देखिए सर, सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर मतलब बुखार, सिंस यस्टरडे। सर मुझे कल से, कब से, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, सर मुझे कल से बुखार आ रहा है। देखिए सफरिंग फ्रॉम है ना, यहाँ पर लिखा हुआ बुखार आ रहा है, सर मुझे कल से बुखार आ रहा है, बुखार से हमको कष्ट हो रहा है, या बुखार से हमको दुख है, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, दुख, पीड़ा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। आप अंग्रेजी में देखिए, इसमें कोई भी जो वर्ड है जो ट्रांसलेशन ही सब है, देखिए आई हैव बीन है, हैव बीन कोई किस में लगता है, किस टेंस में लगता है बताइए, आई हैव बीन किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, तो सब टेंस ही है। अब इसको लिखने के लिए अपने से ट्राई करेंगे कैसे इसको हम अपने भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिख रहा है कि दो दिन छुट्टी के लिए, यहाँ पर कारण लिया फीवर के लिए है ना, आपके शादी के लिए रहेगा तो वहाँ पर कारण दे सकते हैं है ना, मैरिज, ब्रदर मैरिज इज नेसेसरी है ना, गोइंग टू हाउस, हमको जो है बहुत आवश्यक घर पर रहना है क्योंकि बहुत काम होता है, शादी होता ना है, उसको आप लिख सकते हैं बना के। तो सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, क्या चीज बोल रहा है कि मुझे कल, देखिए है ना, कल से जो है बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, द डॉक्टर हैड एडवाइज, डॉक्टर ने सलाह दी थी, क्या दी थी, द डॉक्टर हैड एडवाइज मी, देखिए हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट का एक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या चीज है, सेंटेंस है, तो द डॉक्टर हैड एडवाइज, डॉक्टर ने मुझे क्या किया, सलाह दिया, क्या लगे मुझे सलाह, टू टेक टू डेज रेस्ट, आप जो है दो दिन क्या करिए, रेस्ट करिए, रेस्ट मतलब आराम, आपको बुखार है, आप जो है दो दिन रेस्ट करिए, क्या करिए, रेस्ट करिए, कौन दिया था सलाह, डॉक्टर, क्यों देखा ना, तो डॉक्टर का पावर है कि आपको बीमार घोषित कर सकता है, पुलिस के पावर है कि आपको अपराधी घोषित कर सकता है, दूसरा कोई कहने से आपके अपराधी नहीं हो सकते है ना, पुलिस वहां पर लेता है, जब जाती है जज में तो वहां भी क्या करता है, आपको पूरा पूर्ण रूप से क्या कर देता है, घोषित कर देता है आप जो अपराधी है। तो डॉक्टर के यहाँ पर लिया गया क्या, डॉक्टर क्या चीज है, डॉक्टर ने हमको दिया था क्या चीज, सलाह दिया था, एडवाइज मतलब सलाह, क्या दिया था, सलाह, तो डॉक्टर ने क्या किया था, सलाह दिया था काजी करने के लिए, टेक टू डे रेस्ट, आप दो दिन आराम करिए। फिर क्या चाहिए, सो मतलब इसलिए, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, सो इसलिए मैं जो है आई कैन नॉट अटेंड, मैं आप जो है क्लास नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ वहां पर नहीं अटेंड कर पाऊंगा, नहीं होता शादी में जाना है ना कि हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल को जो है वहां पर नहीं आ सकता हूँ, हाँ अटेंशन होता है, अटेंडेंसी होता है उसमें, अटेंड है अटेंड, उपस्थित हो सकता है, हाँ उपस्थित भी लिख सकती है, कोई दिक्कत ना है। आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर टू डेज, मैं जो है इसलिए मैं क्या दो दिन स्कूल अटेंड नहीं करता, नहीं आ सकता हूँ है ना। फिर लिखा हुआ है सो आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, क्या करता हूँ कि ग्रांट मी टू डेज लीव फॉर, कितना है, 22 फरवरी टू 24 फरवरी,
कृपया करके आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मुझे कितना दिन, इतना फरवरी से इतना फरवरी तक 2 दिन की छुट्टी दी जा, क्या दी जा, ग्रांट मतलब दी जा, और लीव मतलब छुट्टी, लीव मतलब देखो यहाँ पे लिखा लीव छुट्टी है, यहाँ पर हॉलीडे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्रांट में 2 डेज लीव फ्रॉम है कितना से है, 22 फरवरी ना, कृपया करके मुझे 22 फरवरी 24 फरवरी के बीच में हमको छुट्टी दे दीजिए, है ना। आई विल अलवेज बी देखिए कौन सा टेंस विल लगा हुआ, तो कौन सा फ्यूचर में जाएगा ना, जिसमें गागे की रहता है, इसलिए जो आई विल अलवेज बी, मैं आपका हमेशा, अलवेज मतलब हमेशा, मैं आपका हमेशा क्या करूंगा, सादा भारी, ग्रेटफुल मतलब सादा भारी रहूंगा, है ना, ग्रेट मतलब मानता होता, तो ग्रेटफुल जो है ये यहाँ भाग गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ची, मैं आपका सादा भाई रहूंगा, फिर क्या ची है कि योर फैथफुली स्टूडेंट, मैं आपका विश्वासी, कहिए विश्वासी, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि योर ओबीडियंट स्टूडेंट लगाते हैं, वहाँ भी लिख सकते कार्य, तो नेम लिख देना अपना, क्लास और रोल नंबर, इतना भी लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, हाँ क्लास वाला स्कूल वाला, है ना, तो पहले लिखिए, इतना भी लिखते हैं, देखिए मैं जैसे लिख रहे हैं आपको, इधर नहीं लिख रहा, इधर एक वर्ड दो गलती हो रहेगा ना, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, बाकी आपको जो जो है रूल इतना आपको एकदम सही से होना चाहिए, है ना, तो कम से कम कोशिश करिएगा कि एग्जाम में हम इतना सही से लिखें, अगर मान इधर हमको नहीं भी आ रहा, भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आप कुछ कुछ वर्डों डाल देते हैं, तो जो है एग्जामिनर चेक करेगा, देखेगा कि नहीं लिखा है कुछ अपने वर्ड से लिखा है, उसमें लिखा हुआ रहता ना कि था ऐसी परीक्षार्थी कृपया अपने शब्दों में उत्तर दें, तो इधर आप जो वर्ड एक दो गलती होगा तो उसमें नंबर नहीं कटेगा, है ना, ऐसे भी अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता है, मगर आगे जाइएगा कंपटीशन में तो अंग्रेजी क्या होता है, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, किसी दिक्कत, ठीक है, ऐसे भी हिंदी अगर इसको जानना चाहते हैं तो हिंदी बता देते हैं, एक पत्र लिखना है प्रधानाध्यापक के पास में, कितने छुट्टी के लिए, 2 दिन के लिए, कितना 2 दिन के लिए, यहाँ हेड मास्टर लिखना है उमेराबाद हाई स्कूल अरवल, अप्लीकेशन फॉर 2 डेज कितने दिन के लिए, 2 दिन के छुट्टी के लिए, आदरणीय सर, है ना, या बोल सकते हैं ऑनरेबल सर, है ना, अत्यंत में विनम्रता पूर्वक एवं रिस्पेक्ट पूर्वक, यानी कि सम्मान पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आई बेग टू से डेट, यह कहना चाहता हूँ कि मैं सनी कुमार, मैं आपके स्कूल वर्ग 10 का एक छात्र हूँ, सर आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस स्टरडे, सर मुझे जो है कब से, कल से जो है बुखार आ रहा है, डॉक्टर हैड एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दी थी क्या है लगी 2 दिन आराम करे खाती, डॉक्टर दो सलाह दिए थे, कभी दिया था कि 2 दिन आप आराम करिए, इसलिए कैन नॉट, इसलिए मैं जो है क्लास में नहीं आ सकता हूँ, नहीं उपस्थित हो सकता, कितना दिन 2 डेज के लिए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि मेरी छुट्टी को कबूल किया जाए, छुट्टी दी जाए, है ना, कब से, तो यहाँ पर डेट डाल देना है, डेट आने वाला डालना है, बीता हुआ नहीं, जैसे यहाँ पर कितना है 21 तारीख के नजीक एग्जाम है, तो 22 फरवरी से 24 फरवरी 2 दिन के बीच में और छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुली फॉर यू, मैं आपका सदा भाई रहूँगा, अब इसको एक बार दो बार लिखते हैं तो आपको इसे लिखने आ जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।